गुड आफ्टरनून। हेलो फैजल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जागृति। वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के स्पेशल क्लासेस में। हम केमिस्ट्री पोर्शन कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून तुहिन। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स फ्रॉम फिजिक्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, लेट अस डिस्कस अबाउट द होल प्रोसीजर ऑफ अनअकैडमी। थोड़ा सा पहले आपको अनअकैडमी और अपने बारे में बता दूं। अबाउट माई सेल्फ, आई एम समिता राणा, एम एस सी फिजिक्स बी एड। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 ईयर्स, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग। एंड आई हैव क्लियर्ड सी टेट, स्टेट टेट, टीजीटी कमीशन एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपको डिफेंस से रिलेटेड कोर्स है, आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, जो भी आपका डिफेंस से रिलेटेड कोर्स है, आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना है। आप टेलीग्राम ऐप यूज करके भी अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप इन योर मोबाइल टू ज्वाइन अनअकैडमी। अब सब्सक्रिप्शन का अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, तो प्लस पर डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन है। यस, एनडीए के लिए भी मिल जाएगा आपको। ओके, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, ये कॉस्ट करेगा आपको ₹1440 आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड समिता। किसी भी सब्सक्रिप्शन पर अगर आप मेरा रेफरल कोड समिता SAMITA यूज करेंगे, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स बिकॉज 12 मंथ्स में प्लस पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका सारा सिलेबस होगा। 1 मंथ में तो देखो फास्ट रिविजन हो पाएगी, बट 12 मंथ्स में एवरीथिंग विल बी इन प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे। साथ में इसकी कॉस्ट है ₹8800, बट अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, देन यू विल गेट 10% ऑफ। ये आपको उसके बाद कॉस्ट करेगा ओनली ₹7920 आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड, ओनली ₹7920। और पर मंथ अगर आप देखेंगे तो ओनली ₹660। 660 रुपीज में एक सब्सक्रिप्शन लेने पर ही आपको प्लस पे जितने भी हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं, सभी के सेशंस अवेलेबल होंगे। और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट्स ओनली 1 सब्सक्रिप्शन में फॉर 12 मंथ। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, दे कैन ऑल्सो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 24 मंथ। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, ये कॉस्ट करेगा ₹11520 आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड समिता। मेरा रेफरल कोड यूज करने पर आपको आपके हर सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ मिलेगा। ओके, ये आपको थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन का मैंने आइडिया दिया है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। ओके, स्पेशल क्लासेस में हमारी केमिस्ट्री पोर्शन चल रहा है। और साथ में आपको बता दूं, कल 9 बजे स्पेशल क्लास है, उसमें हम करेंगे क्विज ऑन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। कल सुबह 9 बजे स्पेशल क्लास है, तो जो जो क्विज ज्वाइन करना चाहता है, वो उस क्लास को अटेंड कर सकता है। स्पेशल क्लास 9 o'clock, विच इज क्विज ऑन एसिड बेसिस सॉल्ट एंड पीएसके। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऑप्टिक्स है क्या? ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट से रिलेटेड फिनोमेना की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फिनोमिना ऑफ लाइट, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ लाइट। तो लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। बट इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। मेनली आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन, जो एग्जाम में रिफ्लेक्ट लाइट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इन्हीं से। यस, क्विज हमारा ऐप पे होगा। ओके, मैं अभी आपको उसका डिटेल बताती हूँ, आपको कैसे ज्वाइन करना है। क्विज कल सुबह 9 बजे वो ऐप पे होगा।
यूट्यूब पे सेम टाइमिंग पे ही क्लास रहेगी 3 बजे, जिसमें अब हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया है तो हम यही कंटिन्यू। अब लाइट में सबसे पहले जो हमारे पास फिनोमिना आता है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो लाइट को आपको बताऊं तो लाइट, रिफ्लेक्शन से पहले लाइट, और लाइट की स्टडी जिसमें हम कर रहे हैं दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या चीज है? लाइट वो है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, हमें सब कुछ विजिबल हो रहा है, दैट इज लाइट, जिससे हमें सब विजिबल है। एंड देखिए ये लिंक है मेरा, अगर आपको स्पेशल क्लास ज्वाइन करनी है दिस इज फॉर unacademy.com एट अ रेट ऑफ समिता राणा 5987। इस लिंक के थ्रू आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं unacademy पे। ओके, लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को जब हम डिफाइन करेंगे, देखो आप रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लाइट क्या है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साथ में ट्रांसवर्स वेव। लाइट के लिए आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन्हीं को ट्रांसवर्स कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, वो ही ट्रांसवर्स। साथ में हम कहते हैं लाइट वेव्स दे कैन बी पोलराइज्ड। जब हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं दे कैन बी पोलराइज्ड, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पोलराइज का मतलब उनको आप चाहो तो एक साइड फोकस कर सकते हो, एक डायरेक्शन में, कि किसी भी सोर्स से जब लाइट रेज निकलेंगी वो सब डायरेक्शंस में जा रही है, बट हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको फोकस कर सकते हैं। तो लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। साथ में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3×10⁻¹⁸ m/s, एंड लाइट वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। लाइट वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम से मतलब, अब मीडियम का मतलब लाइट एयर में भी जा सकती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है, वाटर में भी ट्रेवल कर सकती है, कहीं पे भी लाइट वेव जो है वो ट्रेवल कर सकती है। सॉलिड लिक्विड गैस, ये डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, दीज आर डिफरेंट मीडियम्स, जो बहुत बेसिक चीजें हैं ये ऑप्टिक्स की। सॉलिड लिक्विड गैस ये डिफरेंट मीडियम की तरह, और एक आता है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब नथिंग, जहां कुछ भी नहीं है, जहां एयर भी ना हो उसको हम कहेंगे वैक्यूम। तो लाइट वेव कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है, बट लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है एयर में। एयर और वैक्यूम में सेम होती है 3×10⁸ m/s। तो जब आप लिक्विड्स में जाओगे तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और सॉलिड में जाएंगे तो लाइट की स्पीड और कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड है एयर में या वैक्यूम में, 3×10⁸ m/s। तो ये लाइट, अब लाइट से रिलेटेड जब हम फिनोमिनास पढ़ते हैं तो हमारे पास मेन टू आते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टू फिनोमिनास हम लाइट से रिलेटेड पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मीन्स द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सर्टेन ऑब्जेक्ट। देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने शेड कर दिया नीचे, इसका मतलब होता है इसको हमने पॉलिश किया है। यस, फेजल फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, तो हम रिफ्रैक्शन में डिस्कस करेंगे अभी आगे। नाउ इसको देखो, हमने नीचे से पॉलिश कर दिया, सरफेस लिया जिसको पॉलिश किया है, तभी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ये जो आ रही है रे, दिस इज इंसिडेंट रे। द रे विच इज कमिंग इट इज इंसिडेंट रे, और जो रे स्ट्राइक करके जा रही है दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो जब सन से लाइट रे आती है, सन से जैसे लाइट रे आ रही है, वो किसी सरफेस से जैसे अर्थ से टकरा के वापिस चली, उसी मीडियम में रह रही है। यहाँ पे एयर है तो एयर में ही रही, सन से आई और स्ट्राइक करके वापिस चली गई। तो जब कोई लाइट रे किसी सरफेस से स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापिस आ जाए तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। The phenomena of bouncing back of light in the same medium after striking a certain surface is called reflection of light. Okay? जो आ रही थी रे उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो स्ट्राइक करके वापस जा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड। अब बीच में हम दोनों रेज के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। 1 आवर की क्लास रहती है। okay? तो देखिए
5-10 मिनट्स ऊपर नीचे हो सकता है, पर 1 आवर की क्लास होगी। अब ये है नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये फिनोमिना हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमारे पास 2 लॉज आते हैं से रिलेटेड। फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा सेम रहेंगे। एंड सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो हमने नॉर्मल बीच में बनाया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। दीज आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये फर्स्ट फिनोमिना हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्लियर है? अब रिफ्लेक्शन होती किस में है? रिफ्लेक्शन होती है मिरर में। मिरर हम यूज करते हैं ना, मिरर को जब आप डिफाइन करोगे, मिरर वो चीज है जिसकी एक साइड पॉलिश्ड होगी और दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन होती है। ओके, देखो इंसिडेंट रे आ रही है, ये किसी सरफेस से टकरा के चली, तो ये जो हमारे पास जिसको आपने पीछे से पॉलिश कर दिया और आगे आपने ग्लास लगा दिया, पर एक साइड पॉलिश्ड होनी चाहिए तभी लाइट रे आई स्ट्राइक करके वापस चली गई। तो हमारे पास बनता है मिरर, मिरर जिसकी एक साइड पॉलिश्ड होगी और दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन होगी, दैट इज मिरर। अब मिरर आगे 2 तरह के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो आप घर में यूज करते हैं, जो अपना फेस देखने के लिए यूज करते हैं, दैट इज प्लेन मिरर। और अगर मेरे पास एक सर्कल है स्फीयर जिसको मैं कहती हूँ, इसको मैं काट दूं इस तरह से और इससे जो मिरर बनेंगे वो होते हैं स्फेरिकल मिरर। पॉलिश जो है वो आप कोई पेंट कर सकते हैं, पेंट अप्लाई कर सकते हैं, या वैसे ही कोई सॉलिड सरफेस हो तो मतलब पेंट, जनरली पेंट अप्लाई कर दो, या वुडन कोई चीज उसके पीछे यूज कर लो तो वो पॉलिश सरफेस। नाउ प्लेन मिरर जो हम घर में यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, और स्फेरिकल मिरर वो होते हैं जो स्फेयर को काट के बनाए जाते हैं। स्फेयर को जब हम इस तरह से काट देंगे तो उससे जो मिरर बनेगा वो स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर आगे 2 तरह के हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखो स्फेयर को जब हमने काटा कि एक साइड मैंने पॉलिश कर दी और इनर साइड से जब रिफ्लेक्शन, यस सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, सिल्वर्ड भी कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पॉलिश्ड और सिल्वर्ड, सिल्वर की लेयर अप्लाई कर दो तो पॉलिश्ड और सिल्वर्ड कुछ भी कह सकते हैं हम इसको यहां पे ये करने के लिए, पॉलिश्ड और सिल्वर्ड। अब देखिए जब इनर साइड से रिफ्लेक्शन होगी और आउटर साइड पॉलिश होगी, ये होता है कॉनकेव। और जब हमने स्फेयर को इस तरफ से काटा, इस तरह से काटा और यहाँ पे इनर साइड पॉलिश कर दी और रिफ्लेक्शन होगी आउटर साइड, तो बनता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जब रिफ्लेक्शन इनर साइड से होती है एंड आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, दिस इज कॉनकेव मिरर। जब रिफ्लेक्शन आउटर साइड से हो रही है एंड इनर पार्ट इज पॉलिश्ड, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, यस वेरी गुड, सिल्वर का यूज करते हैं हम फॉर पॉलिशिंग। तो मिरर 2 टाइप्स के, और इन्हीं को अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर जो फर्दर 2 टाइप्स के हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। स्पून का आप एग्जांपल ले सकते हो, जो स्पून है उसकी इनर साइड, जब लाइट रे आकर इनर साइड से स्ट्राइक होके वापस जाएगी इनर साइड, तो इनर साइड जो है ये है कॉनकेव मिरर। और जब लाइट रे आउटर साइड से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी स्पून का, जैसे स्पून का कर्व है ना, तो इनर साइड से जब लाइट रे पॉलिश होके स्ट्राइक होके वापस जा रही है, देखो अंदर वाली साइड से आई इंसिडेंट रे टकरा के वापस चली, दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में आउटर साइड से लाइट रे आई स्ट्राइक होके वापस चली, तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। और अब आगे हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए अब आप एज्यूम कीजिए जो आपके घर में मिरर है और आप उसके सामने खड़े हुए हैं। ओके, प्लेन मिरर जो आपके घर में मिरर यूज होता है और उसके सामने आप खड़े हुए हो, तो उसमें इमेज कैसे बनती है?
अब देखो मिरर की जब भी हम बात करते हैं, अब दो और चीजें हमारे पास आएंगी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। एक्चुअल में जो मिरर के सामने खड़ा है दैट इज ऑब्जेक्ट। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप हो उस केस में ऑब्जेक्ट, और मिरर में जो आपको दिखाई दे रही है वो होती है इमेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पे लाइट रेज आपस में मिलती हैं, ठीक है, किसी भी सरफेस से जब रिफ्लेक्शन हुई, ये लाइट रे आई रिफ्लेक्ट होके चली गई, एक और लाइट रे आई रिफ्लेक्ट होके चली गई, जिस पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज मिलती हैं वहां पे बनती है इमेज। तो दो चीजें हमारे पास, ऑब्जेक्ट इमेज। कोई भी मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज। तो ऑब्जेक्ट होता है जो एक्चुअल में चीज है जो मिरर के सामने खड़ी है, इमेज जो उसकी बनती है, इमेज वहां पे बनती है जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है, वो पॉइंट जिस पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद अपने आप मिलेगी वहां बनेगी इमेज। अब चलिए प्लेन मिरर को हम डिस्कस करते हैं, इमेज। अब देखो इमेज में भी आपको आगे बता दूं फर्दर, ये भी टू टाइप्स की होती है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। जो इमेज फॉर्मेशन होती है ये भी दो तरह से होती है, रियल वर्चुअल। इसको सिंपली आपने ऐसे समझना है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने था, रेज अपने आप किसी पॉइंट पे मिली और वो चीज एक्चुअल में वहां पे दिख रही है, तो वो होगी रियल इमेज। बट रेज वहां पे मिल तो रही है किसी पॉइंट पे, अपने आप नहीं मिल रही है, हम उनको एज्यूम करके मान के चल रहे हैं कि वो वहां पे मिलेंगी। जैसे मिरर है, प्लेन मिरर, आप उसके सामने खड़े हो, आपको अंदर भी मिरर में खुद दिख रहे हो आप, बट एक्चुअल में तो आप मिरर के अंदर प्रेजेंट नहीं हो, वो तो हमारी इमेजिनेशन है। इमेज हम वहां पे भी हैं, हमारी जो रेज पास होके जा रही है वो वहां पे मीट हो रही है। बट रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में तो उसी मीडियम में वापस आ जाती है रेज, मिरर के अंदर तो जा ही नहीं सकती हैं। वो हमारी एक एजम्पशन है कि वहां पे वो रेज वहां पे जा नहीं रही है, वो हम मान के चलते हैं कि वो प्रोड्यूस की और किसी पॉइंट पे मिली। तो इसमें बहुत डीपली ना जाते हुए सिर्फ इतना याद रखो कि जब रेज रिफ्लेक्शन के बाद अपने आप मिलती हैं तो बनती है रियल इमेज, और जब रेज अपने आप नहीं मिल रही है बट हम मान के चल रहे हैं कि वो चीज वहां पे हो सकती है, देन इट इज वर्चुअल इमेज, जैसा कि नेम है। ओके, प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो, अब देखिए रियल और वर्चुअल दो तरह की इमेजेस बनती हैं, ये मैंने आपको बता दिया, रियल जो अपने आप बनेगी, वर्चुअल जो हम मान के चलेंगे। अब इसके साथ साथ ही आपने एक और पॉइंट हमेशा के लिए याद रखना है कि रियल इमेज जब भी बनती है वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने सीधा खड़ा है तो मिरर के अंदर जो उसकी इमेज बनेगी वो उल्टी होगी, ठीक है, तो उसका सिर है वो नीचे की तरफ, पाँव ऊपर की तरफ, पर एक्चुअल में प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है। वर्चुअल इमेज जब भी बनती है वो स्ट्रेट होती है, डायरेक्ट वर्ड यूज करते हैं हम इस। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो अब आगे बढ़ने से पहले प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले अपने माइंड में ये चीजें बिठा लीजिए कि एक होता है ऑब्जेक्ट और एक बनती है उसकी इमेज। जो है ये टू टाइप्स की होती है, रियल एंड वर्चुअल। जो अपने आप बनी वो रियल, जो हम एज्यूम करके चले दैट इज वर्चुअल। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल जब भी बनेगी वो उल्टी होगी, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर सीधा था तो उसकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी। वर्चुअल इमेज जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज बनेगी, तो वर्चुअल इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो अब जब भी हम रियल लिखेंगे, रियल के साथ हमारे पास आएगा इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखते हैं प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है। अब इसके लिए अब आप खुद को एज्यूम कीजिए कि आप मिरर के सामने खड़े हैं। जब आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं, इस आप यहाँ पे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लाइट रेज आ रही है हमारे साइड से जा रही है इस तरह से, फिर वो मिरर से टकरा के वापस भी आएंगी, वापस भी आएंगी, रिफ्लेक्शन होगी ना, मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगी, मिरर में होती है रिफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट रेज स्ट्राइक होकर वापस आ जाएंगी। अब देखिए, अब लाइट रेज स्ट्राइक होके वापस आ रही है तो ये तो मिल ही नहीं रही है, ये इधर को जा रही है, ये इधर को आ रही है, तो हम क्या सोचते हैं, हमें हम मान के चलते हैं कि जब हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी तरह रिफ्लेक्शन हो रही है, एक और रे है गई वापस आई, तो जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं हम मान के चलते हैं इमेज बनती है मिरर के अंदर। एक्चुअल में अब देखो, इसको समझने के लिए बेस्ट है कि आप ये मान के चलो कि आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप हो ऑब्जेक्ट,
और हमें क्या लगता है हम कहाँ पर हैं? हम हैं मिरर के अंदर। एक्चुअल में हम वहां प्रेजेंट नहीं है, हम ये मान के चलते हैं, तो इस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनी वो कैसी है? वर्चुअल इमेज। साथ में मैंने आपको कहा कि वर्चुअल जब भी बनेगी वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी। और इरेक्ट ही होती है। अगर हम सीधे खड़े हैं तो मिरर के अंदर भी कैसे दिखते हैं? सीधे ही हेड हमारा जहां पे है वहीं पे हेड दिखता है हमें, उल्टे तो नहीं हो जाते ना। रियल इमेज होती अगर तो, अगर आपका जहां सर है वहां पांव दिखते और पांव की जगह सर। बट वर्चुअल इमेज बन रही है तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। एक पॉइंट कि प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है। जैसा आप कह रहे हैं कि लास्ट टाइम ये फेब्रवरी वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इमेज फॉर्मड इन प्लेन मिरर इज, वहां पे आपको ऑप्शन दिए होंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारा आंसर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब आप मान के खुद को ही देखिए कि आप एक्चुअल में मिरर के अंदर नहीं हो, तो वर्चुअल इमेज। और सीधी बन रही है वर्चुअल, तो वो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड मिरर इमेज फॉर्म इज फार बिहाइंड द मिरर। थर्ड पॉइंट आता है कि सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है। आपको लगेगा, देखो ऑब्जेक्ट, अगर आप मिरर से थोड़ा पीछे हो जाओ तो आपको लगेगा कि इमेज भी आपके पीछे जा रही है। जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े होंगे उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो उसकी इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी? अंदर 4 मीटर पे, 4 मीटर। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी वहां पे। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको आ सकता है। गुड आफ्टरनून चंदन। चंदन कल आपने स्पेशल क्लासेस के लिए पूछा था, तो आप डायरेक्ट ये लिंक यूज कर सकते हैं स्पेशल क्लास ज्वाइन करने के लिए, unacademy.com@smitarana5987। स्पेशल क्लास जो कल सुबह भी 9 बजे होगी, और कल हम करेंगे क्विज ऑन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो इस लिंक के थ्रू। तो देखिए अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर 4 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी? 4 मीटर के डिस्टेंस। इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए, जैसे क्वेश्चन आपको कैसे आता है, एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 4 मीटर के डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ कितना डिस्टेंस मूव करे कि वो अपनी इमेज से 2 मीटर के डिस्टेंस पे रह जाए। चलिए सोच के देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम कह रहे हैं एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम रहता है। मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्लेन मिरर का। क्वेश्चन में पूछा गया है ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 4 मीटर, तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी? ये हमें क्लियर है, 4 मीटर के डिस्टेंस इमेज भी बनेगी, 4 मीटर के डिस्टेंस। अब मुझे कहा जाता है ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ को कितना डिस्टेंस मूव करे कि वो अपनी इमेज से 2 मीटर के डिस्टेंस पे रह जाए। हाउ मच डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स द मिरर सो दैट इट विल बी 2 मीटर फार्दर फ्रॉम इट्स इमेज। ट्राई करके देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ कितना डिस्टेंस मूव करे ताकि वो अपनी इमेज से 2 मीटर के डिस्टेंस पर हो। यस, क्वेश्चन क्लियर है? देखिए इसी चीज के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, थर्ड पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन, और आपको इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ कितना, देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, ये मिरर है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। 4 मीटर के डिस्टेंस पे है तो इमेज भी उसकी कितने डिस्टेंस पे बनेगी इस तरफ को? 4 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ कितना डिस्टेंस मूव करे, हाउ मच डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट शुड मूव टुवर्ड्स मिरर सो दैट इट विल बी 2 मीटर फार्दर फ्रॉम इट्स इमेज, वो अपनी इमेज से 2 मीटर के डिस्टेंस पर हो। यस, ओके, आप लोगों को लग रहा है हाफ 2 मीटर। हेलो मोहित, देखो अभी फिर से देखो इसको, इमेज से 2 मीटर के डिस्टेंस पे होने का मतलब किससे पूछा है 2 मीटर का डिस्टेंस? मिरर से नहीं, इमेज से 2 मीटर डिस्टेंस पर हो। ऑब्जेक्ट जब इस तरफ को चलेगा Yes, अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इसी के ऊपर बेस, तो मैक्सिमम सीडीएस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
देखो, ऑब्जेक्ट जब इस तरफ को चलेगा तो वो अपनी इमेज से 2 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। यहां इमेज, यहां ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इमेज से 2 मीटर डिस्टेंस हो, मतलब 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, तब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस होगा 2 मीटर। इस पॉइंट तक आने के लिए ऑब्जेक्ट को यहां से कितना मीटर डिस्टेंस मूव करना पड़ा? टोटल था 4, यहां पे 1, तो अब आपका आंसर होगा उस केस में 3 मीटर। ओके, जब आप सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन को, और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको देखो फिर से देखो, किसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर के, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो जो इस तरफ इमेज बनेगी वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी इमेज भी। अब ऑब्जेक्ट मिरर मिरर की तरफ को कितना मूव करे कि वो अपनी इमेज से 2 मीटर के डिस्टेंस हो, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ को कितना मूव करे कि वो अपनी इमेज से 2 मीटर के डिस्टेंस पर हो, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर होना चाहिए, मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर, 1 ये 1 ये, तब टोटल 2 होगा। तो ऑब्जेक्ट फिर इस तरफ को कितना मूव करेगा? 4 सेंटीमीटर। यस, तब उसको 4 सेंटीमीटर या मीटर जो भी गिवन होगा। ओके, क्लियर है? इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, इसके ऊपर बेस्ड, इस पॉइंट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल हम तभी कर पाते हैं बिकॉज हमें पता होता है कि इमेज उतने ही डिस्टेंस पे बनती है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अब क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट है सेम साइज की बनती है, तो वो भी क्लियर है। जितने हम मिरर के बाहर हैं, हमें अपनी इमेज भी मिरर के अंदर उतने ही साइज की, हाइट सेम रहती है। ऐसा तो है नहीं कि मिरर में, प्लेन मिरर में हम छोटे दिखते हैं, सेम साइज के दिखते हैं। और लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन मीन्स जो हमारी लेफ्ट साइड है वो मिरर के अंदर राइट साइड दिखती है। आर लेफ्ट साइड अपेयर्स ऑन राइट इन साइड द मिरर। आप मिरर के आगे कभी अपना लेफ्ट हैंड रेज करके देखना, मिरर में आपको लगेगा कि आपका राइट हैंड रेज हो रहा है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ओके, जो हमारी लेफ्ट साइड है इट अपेयर्स एज राइट साइड। तो ये 5 तरह की इमेजेस बनती हैं प्लेन मिरर में। नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपको किसी के ऊपर भी बेस्ड आ सकता है। अगर क्लियर है तो क्वेश्चन अब जैसे मर्जी आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट कहा हमने वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज बन रही है। सेकंड, हमें अपने आप ही पता है कि वर्चुअल इमेज हमेशा ही कैसी होती है? इरेक्ट। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, सेम डिस्टेंस पे बनती है। और उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से न्यूमेरिकल आएगा आपको कि सेम डिस्टेंस पे, सेम साइज की होती है एंड लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन मींस यस, टू गेट फुल इमेज मिरर का साइज हाफ करना पड़ेगा। ये भी एक क्वेश्चन आता है, आप अगर अपनी पूरी इमेज आप चाहते हो, आपको मिरर में अपनी पूरी इमेज देखे, तो मिरर हमारे हाफ साइज उसका होना चाहिए, साइज जो मिरर का हाफ होना चाहिए उसका। लेफ्ट साइड अपेयर्स एज राइट साइड। तो यहां से एक और क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड इन अ प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड इन प्लेन मिरर। इसके लिए फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला याद कर लो, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड इन अ प्लेन मिरर, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। अब क्वेश्चन कैसे आता है, मेरे पास टू प्लेन मिरर हैं, टू प्लेन मिरर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन में गिवन है टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड इन बोथ इन दोज मिरर्स। इफ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। ओके, फॉर्मूला ये गिवन है। अब हमें कुछ गिवन नहीं है, हमें सिर्फ एक वर्ड यहाँ दिया है परपेंडिकुलर। टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो प्लेन मिरर हैं जिनको परपेंडिकुलर रख दिया। परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, बट ये मुझे पता है कि परपेंडिकुलर मीन्स एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं थी, बट गिवन था कि दोनों मिरर्स परपेंडिकुलर हैं।
आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है। यस निकालिए। अब एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस वन, थीटा मतलब 90 डिग्री, माइनस वन ये आप कैंसिल करोगे तो 4 माइनस वन इक्वल टू 3। तो कितना इजी न्यूमेरिकल है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए। कई बार डायरेक्ट गिवन होता है कि दो मिरर जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं हमने, सीधा गिवन होगा थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो थीटा की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 60 डिग्री पुट कर दोगे, तब आप निकालोगे तो 360 अपॉन 60 आप सॉल्व करके देख सकते। बट कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पर थीटा की वैल्यू गिवन नहीं था, यहाँ गिवन थी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इफ मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यस पैरेलल टू ईच अदर, तब क्या होगा? When mirror are placed parallel to each other, parallel के केस में theta की वैल्यू कितनी होती है? Parallel मतलब theta is equal to 0 degree. अब मुझे ये बताओ 1 upon 0 क्या होता है? किसी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, yes, it is infinite. तो 360 degree को अब जब 0 degree नीचे आ जाएगा, minus 1, इन्फिनिटी माइनस वन मीन्स इन्फिनिटी। तो व्हेन टू पैरेलल मिरर्स आर प्लेस्ड, व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? इनफाइनाइट, बिकॉज जीरो डिग्री। पैरेलल का मतलब यस इनफाइनाइट। अब ये देखो क्वेश्चन में एंगल गिवन नहीं है थीटा, बट गिवन है मिरर्स पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब थीटा की वैल्यू होगी जीरो डिग्री। थीटा अगर जीरो डिग्री है तो 360 डिग्री अपॉन जीरो वो हो गया इनफाइनाइट, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होंगी इनफाइनाइट। तो कई बार डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती है थीटा की, डायरेक्ट नहीं गिवन होगी तो ये दो क्वेश्चंस आते हैं कि मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर या फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करो। ओके क्लियर है इतना? देन आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर ये आपको क्लियर है तो अब हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव। इमेज फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कॉनकेव। ओके और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अब देखो ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, मेरे पास है कॉनकेव मिरर, बैक पॉलिश्ड है, अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन। देखो हमने मिरर कॉनकेव मिरर बनाया कैसे है, कॉनकेव मिरर हमने बनाया है यस एंटी पैरेलल, उनको हम एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं, ये हमने बनाया है स्फेयर को काट के। तो स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, जो स्फेयर का सेंटर होता है यहाँ पे उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रे डायग्राम्स बनाने से पहले ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो हमारा मिरर है, मिरर का जो सेंटर होता है इसको कहते हैं पोल, सेंटर ऑफ द मिरर, पोल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके यही सब चीजें हम, देखो हमने यूज करनी है, रे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, बट पहले ये पॉइंट सुन लो। सेंटर जो मिरर का था दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का जो है सेंटर ये पोल, और इनको जो लाइन ज्वाइन करती है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बीच में एक पॉइंट आता है वो होता है प्रिंसिपल फोकस। अब देखो ये सेंटर है, सेंटर है मिरर का, तो ये डिस्टेंस इसको हम लेते हैं आर, और इस डिस्टेंस यस ये चीजें हम सब डिस्कस करेंगे अभी, ये सब आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नाउ ये डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और ये होती है स्मॉल एफ फोकल लेंथ, एफ इज फोकल लेंथ, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहा होगा कि R जो है वो फोकल लेंथ से डबल है, तो R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S, नो प्रॉब्लम। आप बीच में बता सकते हैं अगर इनकेस कोई इश्यू, कोई टॉपिक छूट जाए तो वो साथ के साथ डिस्कस हो जाएगा, तो आप बीच में बता सकते हैं, और जो हमने आगे डिस्कस करने होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, तो आप बीच में कोई आपको ऐसे लगता है तो आप बता सकते हैं। ओके हो सकता है मेरा कोई टॉपिक छूट जाए तो मुझे याद आ जाए देख के। नाउ
आर इज इक्वल टू टू एफ दिख रहे हैं ना इस डायग्राम में, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये फोकल लेंथ का डबल है, तो एक रिलेशन ये आता है हमारे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टू टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ के लिए क्या हो जाएगा आर बाई टू, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके ऊपर डिपेंड भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, इन केस अगर आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होगी, 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ होती है आर बाई टू, 20 बाई टू 10 सेंटीमीटर। ओके, पता नहीं होता कई बार आपको इजी क्वेश्चन आ जाए, टफ न्यूमेरिकल की जगह अगर इजी न्यूमेरिकल आ जाए तो ये तो बहुत इजी है। नाउ अब हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब देखो एक और चीज, प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, अब ऑब्जेक्ट से यहां पे मेरा मान लीजिए कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां फोकस है पोल, ये डिस्टेंस हमने बता दिया आर, ये डिस्टेंस होता है स्मॉल एफ। अब हम बार बार आगे सिर्फ हम डायरेक्ट ये चीजें यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, फर्स्ट पॉइंट अब हमारा आता है कि सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाते हैं, इस तरफ को करने हैं तब भी पोल से, इधर को करने हैं तब भी पोल से, ये डिस्टेंस ऐसे नहीं मेजर करेंगे हम, डिस्टेंसेस ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल से हमने मेजर करना स्टार्ट करना है कि कहाँ को मेजर करना है डिस्टेंस। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से यू, और जहां पे इमेज बनेगी इमेज के डिस्टेंस को हम लिखते हैं वी, U is the distance of object from the pole of the mirror. V is the distance of image from the pole of the mirror. अब ray diagrams बनाने से पहले three points याद रखिएगा। जब भी ये ray है, ये this is object AB. AB object है, इससे एक incident ray आई ये, और ये ray कैसी है? Parallel to the principal axis. जब भी incident ray principal axis के parallel होती है, वो reflect होने के बाद focus से pass कर है, okay? और जब भी आप रे डायग्राम्स बनाएंगे, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एरो जरूर बनते हैं रे डायग्राम्स में, क्योंकि यही एरो हमें बताते हैं कि कौन सी इंसिडेंट रे है और कौन सी रिफ्लेक्ट, तो एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें सारा डिटेल में बताएंगे कि इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। तो मैंने फर्स्ट थिंग आपको कही कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पॉइंट्स याद रख लीजिए रे डायग्राम से पहले, When incident ray is parallel to principal axis, वो reflection के बाद हमेशा ही principal focus से pass करेगी। जब भी ray diagram बनाएंगे, ये देखो ये parallel ray आई ना, reflect होके ये हमेशा focus से pass करेगी। ठीक है, इधर से आ रही है अगर ray, ये भी parallel है, जब ये reflect होगी ये भी focus से pass करेगी। The incident ray which is parallel to principal axis are always passes through principal focus after reflection. सेकेंड थिंग, अगर रे पहले ही फोकस से आ रही है, इंसिडेंट रे अगर पहले ही फोकस से आ रही है तो वो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, उल्टा हो जाता है। अगर इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से होके पास कर रही हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास कर रही थी तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाता है, उल्टा केस हो जाएगा। थर्ड थिंग, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आए, कहीं पे ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है और इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, तो वो उसी पाथ पे वापस चले रिफ्लेक्ट हो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी, कहीं और नहीं होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आ रही है तो इसी पाथ पे वापस चली जाए। और फोर्थ पॉइंट, अगर इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करती है यहां पे, तो वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी तरफ को। ठीक है, तो रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए ये फोर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो पहले पैरेलल थी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी।
जो जा ही फोकस से रही थी इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे रिट्रेस हो, और जो पोल पे स्ट्राइक करती है वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट। अब देखिए रे डायग्राम्स कैसे बनते, एंड दीज सिक्स केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है या न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन आता है आपको इन सिक्स केसेस से, ओके। और ये केसेस अब स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको फिर बता दूं कि स्पेशल क्लास 9 o'clock अनअकैडमी पे, जिसको आप इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, unacademy.com@SamitaRana5987 9 o'clock। और कल हम करेंगे क्विज ऑन एसिड बेसिस सॉल्ट एंड पीएच स्केल, तो क्विज आप खुद ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चंस होंगे वहां पे। और यूट्यूब पे हमारी सेम टाइमिंग पे क्लास रहेगी कल भी, जिसमें यही सेशन हम कंटिन्यू करेंगे ऑप्टिक्स। एंड प्लीज इफ अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए सेशंस को, लाइक करें, शेयर करें, आपके जो और फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए और लाइक जरूर करें के सेशन अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए। एंड यही सब चीजें अगर आपको और प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में कवर करनी है, देन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, क्रैक योर डिफेंस एग्जाम ज्वाइन प्लस। और प्लस ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपका डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड कोर्स है उसका सब्सक्रिप्शन, व्हाइल टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन प्लीज यूज माय रेफरल कोड समिता, ओके। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अपने कोर्स के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा, और मेरा रेफरल कोड यूज करने पर आपको आपके सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ मिले, ओके। नाउ ये कंटिन्यू करते हैं, ओके। के बीच में कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। किसी को कोई कुछ इशू कुछ भी पूछना है बीच में तो वो पूछ सकता है साथ के साथ। नाउ फर्स्ट केस हमारा आता है कि जब ऑब्जेक्ट, देखो ये सारे हम कॉनकेव मिरर के लिए करेंगे। अब फर्स्ट केस है मेरा इस पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट केस में हम मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कहीं इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, हमें भी नहीं पता कि कहाँ पे है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो देखो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। ये रे डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं, ओके। देखो अगर ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है तो उससे जो रेज आ रही होंगी वो पैरेलल होंगी, बहुत दूर से कहीं से रेज आ रही है, दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल। और जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से। देखो अपनी मर्जी से हम रे डायग्राम नहीं बनाते हैं, हमारे पास फिक्स कंडीशंस हैं कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। नाउ एक और अगर मैं रे ले लूं, अगर जैसे भी एक और यहां से पैरेलल है, ये भी कहां से जाएगी, फोकस। बट ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे लिया हुआ है तो फर्स्ट रे तो मैंने ले ली विच पासिस थ्रू फोकस, ये भी फोकस से जा रही है। तो देखो दोनों रेज कहां पे मिली आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेकंड इंसिडेंट रे ली मैंने ये नीचे, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रही है, तो इमेज वहां पे बनती है जहां पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती है, ये रे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन आई और ये रे किस पॉइंट पर मिली, दोनों फोकस पे। तो हम कह रहे हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। और कैसी इमेज बनी, देखो ये दोनों रेज अपने आप मिली, मैंने कुछ नहीं किया, पैरेलल रे ली आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गई, ये रे भी, और ये अपने आप एक पॉइंट पे मिली। तो जब रेज अपने आप मिलती है, रियल रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल। देखो यहाँ पे पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, इसको हम कहेंगे स्मॉल इमेज। नाउ सेकेंड केस हमारे पास आता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन बट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है बट एक फाइनाइट डिस्टेंस है, यहाँ पे मिरर मतलब डिस्टेंस अब हमें पता है पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभी भी पीछे है, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पास आएगा उसकी इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं। अब एक चीज और याद रखना, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास जाता जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की साइड जाएगा इमेज जो है वो मिरर से दूर आती जाएगी, सभी केसेस में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी फोकस पे,
अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जा रहा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, उसकी इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे कहीं इस तरह से इमेज। तो जैसे जैसे अब ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा पोल के, इमेज जो है वो दूर जाती जाएगी पोल, बट इमेज अभी भी रियल बनेगी। और जब भी रियल इमेज बनती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड। ये चीज हमें पता है, तो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब अभी भी उसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है। ओके, अब थर्ड केस में आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूं। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? पहली इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल, पैरेलल है, कहां से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस, और फोकस इन दोनों के बीच का पॉइंट होता है। सेकंड रे अब मैं लूंगी जो फोकस से पास करके, और हमें पता है इंसिडेंट रे जब फोकस से जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ये केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, इंसिडेंट रे सेकंडली मैंने जो पैरेलल थी जो फोकस से पास कर रही थी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। और देखो एक पॉइंट पे दोनों रेज अपने आप मिल रही हैं, हमने नहीं मिलाई, हम मान के नहीं चल रहे हैं, बट ये दोनों अपने आप मिली तो कैसी इमेज बनी? रियल, इन्वर्टेड। रियल है बट इन्वर्टेड, और सेम साइज की बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो इमेज बनती है दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाता जा रहा है उसकी इमेज दूर आती जा रही है। जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, यस, कनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनती है। ये आपको लास्ट सिक्स केस दिख रहा है, यस, सिक्स केस, ये भी ये डिस्कस करेंगे। ओके, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। वैसे अब हम जब भी बात करेंगे हम कहेंगे कनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, ये चीज माइंड में रख लो। इन कनकेव मिरर ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, बट फिर भी एक केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। इसमें क्या होगा? दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब यहां पे क्या होगा? हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ऑब्जेक्ट यहां पे है कहीं ए बी, पोल और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रेली हमने जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका आंसर नो नहीं होगा फैजल, इसका आंसर है सिक्स्थ केस। क्वेश्चन है क्या कभी कनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनती है? यस, कनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बन सकती है, और वो ये केस है, ये केस वहां पे गिवन होगा बिटवीन द पोल एंड फोकस, तब कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। अब कैसे बनेगी ये देखो, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आ गया है, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे ली विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। सेकंड रे मैं लूंगी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है इस तरह, दिस इज इंसिडेंट, ये मैंने ली इंसिडेंट रे। तो सेकंड रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी रे आती है वो उसी पाथ पे वापस चली। अब देखो ये दोनों रेस तो आपस में कहीं मिल ही नहीं रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जब हुई इस केस में तो ये रेस तो आपस में मिली ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ को, और इस तरह इस पॉइंट पे आकर ये रेज आपस में मिली तो हम कहेंगे ये बनी इमेज। अब देखो इस केस में रेज अपने आप नहीं मिली थी, हमने माना कि ये रेज यहाँ पे मिल रही हैं। जब इस तरह से रिफ्लेक्शन हुई, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, बिटवीन पोल एंड फोकस, फर्स्ट रेली विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई। सेकंड रेली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है वो उसी पाथ में वापस आ गई। जब इनको हमने प्रोड्यूस किया तो ये इस पॉइंट पर आकर मिली, तो ये कैसी इमेज बनी? वर्चुअल। और देखो वर्चुअल इमेज जब भी बनती है ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है तो इमेज भी कैसी बनी? इरेक्ट। और थर्ड थिंग, अगर ऑब्जेक्ट छोटा है बट इमेज बड़ी बन रही है, सो मैग्निफाइड। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
5 केसेस। अब यहां से ये कंक्लूजन याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। एक कॉन्सेप्ट तो माइंड में बिठा लीजिए, कॉनकेव मिरर मतलब इन विच रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म, रियल एंड इन्वर्टेड। बट नाउ अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि क्या कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, यस, एक केस है, लास्ट केस, जब कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। और वो कब बनती है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आया तो इमेज जो बनी वो वर्चुअल बनेगी, और वो हमने यहां ड्रॉ करके देखी। तो दीज आर रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। वैसे जब आप कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस आते हैं। इस तरह से होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर इस तरह से है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे आ जाएगा और फोकस, बट ऑब्जेक्ट इस तरफ ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे होगा। अब इसमें 2 ही केसेस पॉसिबल हैं। मिरर में हम डाइवर्जेंट नहीं कहते हैं, डाइवर्जेंट हमारा आएगा भी आगे, हम डिस्कस करेंगे जब हम लेंस में कहेंगे। देन कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जेंट एंड कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जेंट। ओके, ये अभी हम जब लेंस में डिस्कस करेंगे। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट जब बात आती है तो हम लेंस के लिए बोलेंगे। तो वहां पे हम जब डिस्कस करेंगे, कॉनकेव इज डाइवर्जेंट लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जेंट लेंस। अब इसमें सिर्फ 2 केसेस हैं, इसके लिए सिर्फ याद रख लीजिए कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है, इमेज बिहाइंड द मिरर, और इसमें दोनों ही केसेस में वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड स्मॉल साइज की इमेज बनती है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल जब ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश। कॉन्वेक्स मिरर की जो अभी इमेज बनती है, इसके लिए याद रखना है आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट, और डिमिनिश मतलब स्मॉल साइज की। ठीक है, डिमिनिश का मतलब हुआ स्मॉल साइज की। तो कॉन्वेक्स मिरर में, अब इसमें जो 2 केसेस आ रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके, तो बस माइंड में अब ये कॉन्सेप्ट लेके हमने आगे चलना है। जो कंक्लूजन है, कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। ओके, क्वेश्चन अभी हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले एक बार यूजेस बता दूं आपको, यूजेस से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कॉनकेव मिरर के यूज होता है टॉर्चेज में, सर्च लाइट में, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। शेविंग मिरर, जो शेविंग मिरर यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉनकेव मिरर। By dentist to see large image of teeth, doctor mirror भी कहते हैं इसको, doctor's mirror, doctor's mirror या dentist mirror, ये भी आपको question पूछा जाता है, which mirror is known as doctor's mirror or dentist mirror, वो है concave mirror। Dentist इसको use करते हैं, वहां पे इसका 6th ray diagram use। कैसी image बनी थी? बड़ी image बन रही थी ना, तो dentist जब इसको दांत देखने के लिए use करते हैं patient का, तो उनको उसके दांत की बड़ी image दिखाई देती है। So, this mirror is used by dentist to see enlarged image of object. और वो कौन सा केस था concave mirror का? 6th case. क्योंकि इसमें कैसी इमेज बनती है? Magnified. तो ये केस वहां पे ये वाला concave mirror यूज होता है, yes, by ENT. ये वाला 6th case वाला concave. तो uses में अब आप याद रखने हैं concave mirror, torches में, searchlight में, और सबसे important use, 2 question यहां से important बनते हैं, हेडलाइट ऑफ कार, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, और दूसरा डेंटिस्ट मिरर। ये 2 याद रखिए सबसे मेन, दिस इज कॉनकेव मिरर। कार के जो आगे की हेडलाइट्स होती हैं, जो आगे लगी होती हैं 2, उसमें कॉनकेव मिरर होता है। ओके, सो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, एज अ शेविंग मिरर, एंड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। 6th case यूज होगा वहां पे कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर की जब बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यूज और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, गाड़ी के जो साइड में मिरर लगा होता है जिसमें आपको पीछे की गाड़ियां दिखाई देती हैं, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज किया वहां पे, कॉनकेव क्यों नहीं किया? क्योंकि कॉनकेव में कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, फर्स्ट थिंग। अब देखो अगर हम वहां पे कॉनकेव मिरर लगा देंगे तो जो हमें पीछे गाड़ियां आ रही है वो उल्टी दिखाई देंगी, तो हमें उससे प्रॉब्लम होगी। कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक पॉइंट तो ये है कॉन्वेक्स मिरर को वहां यूज,
कि जो गाड़ी के हम साइड में मिरर लगाते हैं वहां हम कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, क्योंकि उसमें हमें पीछे की गाड़ियां दिख, के पीछे का देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। अब क्यों? बिकॉज कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड थिंग, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो करता क्या है, इमेज को छोटा कर देता है। अब आपने ध्यान दिया होगा जब आप ड्राइव करते हो तो जो पीछे वाली गाड़ी है वो छोटी दिखती है, साइज में दिखेगी सीधी बट छोटी दिखेगी, बट साथ में क्या होगा, आपको आसपास का एरिया भी दिखाई देगा, गाड़ी का साइज छोटा हो जाएगा बट वो लार्ज एरिया कवर करता है। क्या सिर्फ एक गाड़ी नहीं दिखेगी, आसपास जो और भी चीजें होंगी वो भी दिखाई देंगी। कॉनकेव मिरर में उल्टा हो जाता है, कॉनकेव मिरर जो है वो आसपास का एरिया कवर नहीं करेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। यस, इमेज डिमिनिश दिखती है, छोटी दिखती है बट एरिया ज्यादा कवर होता है, इट कवर्स वाइड एरिया। दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स ऑफ कार, एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प एंड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। जब भी अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, क्विज करेंगे, अब आप ये क्वेश्चन के आंसर खुद देंगे, ठीक है। अब वहां हम डिटेल में नहीं करेंगे, वो होगा फास्ट क्विज, टेल सेशन अभी हम कर रहे हैं, आंसर आप लोग दोगे, ओके? अब एक आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑनली याद रखो 1/f = 1/v + 1/u, मिरर फॉर्मूला वेयर एफ इज फोकल लेंथ। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी बिकॉज अब आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस का डिस्टेंस जो पोल से है दैट इज फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट अगर यहां है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है पोल से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और इमेज का डिस्टेंस, इमेज अगर यहां बन रही है ये होगा वी। तो 1/f = 1/v + 1/u। अब इसके हम न्यूमेरिकल अभी करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए पहले याद रखिए कि जब भी डिस्टेंसेस मिरर के लेफ्ट साइड को होगा, ये मिरर है, डिस्टेंसेस विच आर मेजर टू द लेफ्ट ऑफ मिरर आर ऑलवेज टेकन नेगेटिव एंड डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ मिरर आर ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठा लीजिए। यस, दिस इज साइन कन्वेंशन, बिकॉज अगर साइन गलत होगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब भी अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, ये है मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन करते हैं। आप याद रखिए जो डिस्टेंसेस, सभी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, पोल से लेफ्ट साइड को जो डिस्टेंस होते हैं उनके साथ माइनस साइन लग जाएगा, माइनस यू माइनस वी। जो डिस्टेंस पोल से राइट साइड को होंगे वो पॉजिटिव होंगे, प्लस यू प्लस वी, ओके। पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है मेरे पास। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। An object is placed 20 centimeter from the concave mirror. Concave mirror use किया हुआ है यहाँ पे, object का distance है 20 centimeter. तो जो जो given होता है पहले वो लिखते चलो, u is equal to 20 centimeter. Of focal length 10 centimeter. F कितना given है, 10 centimeter. जब आप numerical solve करेंगे then image formed is formed at behind the mirror, between the mirror and focus, at focus, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट, फोर ऑप्शंस गिवन है। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है मिरर से, 20 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। बट देखो ये डिस्टेंस किस साइड को है मिरर से, लेफ्ट साइड को है ना, तो हम इसके साथ क्या साइन लगा देंगे, माइनस साइन। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा बट हमें ये समझना है, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट साइड को डिस्टेंसेस होते हैं वो नेगेटिव, फोकल लेंथ, ओके, आपका आंसर आ गया डी, ओके। फैजल, आई एम एमएससी फिजिक्स,
तो ये चीजें 20 सेंटीमीटर ये, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे आप यूज करोगे मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्लस या 1/u प्लस 1/v। हमें निकालनी है इमेज, इमेज इमेज हमें निकालनी है। v की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है, तो v के लिए क्या फॉर्मूला बन जाए, u को दूसरी तरफ ले जाओ, 1/f माइनस 1/u। देखो क्वेश्चन में पहले देखा करो गिवन क्या है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फोकल लेंथ 10। मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज मिरर फॉर्मूला। निकालना क्या है मुझे, v की वैल्यू निकालनी है, u और f तो गिवन है, तो मेरा फॉर्मूला बन गया 1/f माइनस 1/u। u को हम दूसरी तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/u। अब वैल्यूज पुट कर दो, f की वैल्यू कितनी है, -10 लेफ्ट साइड को है ना। जब भी डिस्टेंसेज लेफ्ट साइड को होंगे, ओके पलश ज्योति का आंसर भी डी आया है, जब भी डिस्टेंसेज लेफ्ट साइड को होते हैं उनके साथ माइनस साइन, -1/-20। ओके u की वैल्यू कितनी गिवन है, -20, -1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, -1/10 प्लस 1/20। ओके और आपका आंसर आया 3/20। थ्री बाई ट्वेंटी अब देखो आप सॉल्व करो, 3/20 कैसे आएगा, एलसीएम आ गया आपका 20 -2 + 1, बीच में प्लस साइन है, तो -2 + 1 -1/20। 1/v की वैल्यू आ रही है -1/20, तो v की वैल्यू कितनी आई, -20 सेंटीमीटर। इससे हमें क्लियर हो गया कि जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगी। ओके देखो जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो v की वैल्यू आई -20 सेंटीमीटर, इट मींस जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बनेगी। और ये कौन सा केस होता है, जब ऑब्जेक्ट जहां पे होता है वहीं इमेज बनती है उसकी, ये केस होता है ऑप्शन डी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तुम्हें को v की वैल्यू निकालनी पड़ी, और इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज आपका आंसर गलत ही आएगा। साइन कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंग आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंसेज हम लेफ्ट साइड को, इस साइड को मेजर कर रहे हैं, तो यू के साथ भी माइनस साइन, यहां भी माइनस। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी वी की वैल्यू आई -20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज ये सिर्फ एक ही केस है जब जिसमें सेम होता है, और वो कौन सा केस है चारों में से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मीटर। ओके क्लियर है आप सबको, ये क्वेश्चन क्लियर है, तो चलिए ये ट्राई कीजिए। अब एक और क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। ओके मिरर फॉर्मूला भी आप यहां पे लगा सकते हैं, यहां पे आप डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके भी देख सकते हैं। ओके एक बार आपको मैग्निफिकेशन भी बता दूं, टाइम भी हो गया है, चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं आज। मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ये फॉर्मूला होता है, एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्निफिकेशन। साथ में एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैग्निफिकेशन का कंक्लूजन आता है, तो याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। देखो ये कौन क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जाता है, इफ एम इज इक्वल टू -1 और नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो मिरर कौन सा होगा, नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज किस में बनती है, कॉनकेव मिरर में। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगी, चंदन ये लिंक तो आप देख कभी भी खोल सकते हो, बट क्लास आपको सुबह ही मिलेगी, अभी वहां पे क्लास नहीं मिलेगी आपको, क्लास होगी सुबह 9 बजे, क्विज ऑन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके उसकी क्लास ये कल सुबह 9 बजे होगी, तब आप डायरेक्ट ये लिंक यूज करके आप ऐप में खोल सकते हैं, unacademy.com @SamitaRana5987, इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट वो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारी यूट्यूब की क्लासेस हैं इसमें हम ऑप्टिक्स ही कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है, ऑप्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है। नाउ टू क्वेश्चंस और यहां से,
मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, नेगेटिव मैग्निफिकेशन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ओके, सब्सक्रिप्शन आपको ये स्पेशल क्लासेस में मिलेगी चंदन, जो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं उसमें मिलेगी आप क्लास। ओके, उस न्यूमेरिकल से पहले टाइम हो रहा है, जल्दी से ये क्वेश्चन कर लीजिए। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, द मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज एंड दैट्स ऑफ द लेग स्मॉलर, द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, मैग्निफिकेशन का भी करवाती हूँ, पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए। फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। एक बच्चा एक मिरर के सामने खड़ा है, उसको अपना हेड जो है वो बड़ा दिख रहा है मिरर के अंदर, मिडल पोर्शन जो है वो सेम साइज का दिख रहा है और लेग्स छोटी दिख रही हैं। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें कौन सा मिरर होगा, मिडल पोर्शन में कौन सा मिरर होगा एंड जो लेग्स दिख रही हैं लोअर पोर्शन है उसमें कौन सा मिरर यूज हो रहा है। और ये फोर ऑप्शंस गिवन है हेड के लिए, मिडल पोर्शन के लिए और लोअर पोर्शन। ओके, ट्राई कीजिए। एक बच्चा मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है, मिरर में वो अपनी इमेज देख रही है बच्ची, तो उसको अपना हेड जो है वो बड़ा दिख रहा है, हेड बड़ा दिख रहा है, मिडल पोर्शन सेम साइज का दिख रहा है और लेग्स छोटी दिख रही हैं। तो पहले तो ये देखो कि सेम साइज की इमेज कौन से मिरर में बनती है। तीन मिरर गिवन है आपको, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और ये हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है अभी। सेम साइज की इमेज किस में बनती है, प्लेन मिरर में, डिस्कस किया था ना हमने। एक तो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और कैसी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, सेम साइज की इमेज। कॉनकेव मिरर में रियल, इन्वर्टेड। और एक केस है जो वर्चुअल और इरेक्ट वाला है, जिसमें इमेज कैसी बनेगी, बिगर इमेज, जब वर्चुअल और इरेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है बट स्मॉल साइज की बनती है। गाड़ी के रियर व्यू मिरर, हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज कर रहे थे एज अ रियर व्यू मिरर, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में इमेज स्मॉल बनती है और वो वाइडर एरिया कवर करती है। तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज की इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड बनती है, तब वो स्मॉल होती है, बट अगर वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है तो वो बिगर इमेज होती है, जो लास्ट केस है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ डेंटिस्ट मिरर, जिसकी वजह से कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इमेज बनती है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, किशन सी, चंदन सी, ओके, पलश ज्योति, दिस इज द लिंक फॉर ऐप unacademy.com @SamitaRana5987। इस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट कल स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अनअकेडमी पे। ओके, नाउ इस क्वेश्चन का अब आंसर आपका क्या आ रहा है सबका, सी, यस, अब इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कॉनकेव मिरर में बड़ी इमेज, प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज और कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज। तो जो उसको अपना हेड है वो मिरर में बड़ा दिख रहा है, मींस वहां पे कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ओके किशन, जल्दी बन जाएगा। प्लेन मिरर सेम साइज की, तो मिडल पोर्शन प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बड़े साइज की, आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन, अभी हमारे पास आज रिफ्रैक्शन भी था बट वो कवर नहीं हो पाएगा, कल के सेशन में अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन, लेंस फॉर्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कल के सेशन में करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अ 10 mm लॉन्ग ऑलपिन इज प्लेस्ड वर्टिकल इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, अगेन कॉनकेव मिरर, 10 mm हाइट गिवन है, 10 mm लॉन्ग गिवन है, मीन्स इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 mm, इज प्लेस्ड वर्टिकली सीधी इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ओके, और मैं अभी रिपीट करती हूँ उसको, पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। अब
5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज बन रही है मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर, और इमेज की हाइट कितनी है 5 mm। अब देखो, जब भी आप ये न्यूमेरिकल, यस कॉनकेव सबसे पहले आएगा, कॉनकेव में देखो, कॉनकेव में इमेज बड़ी बनती है। हमने अभी 6 केसेस डिस्कस किए, लास्ट केस में कॉनकेव में बड़ी इमेज बनती है। तो कॉनकेव में इमेज बड़ी, एक केस में, वैसे छोटी बनती है, बट तीनों को जब कंपेयर करेंगे तो सिर्फ कॉनकेव में ही एक ऑप्शन है जिसमें बड़ी इमेज बनती है। प्लेन मिरर में सेम साइज की बनती है। प्लेन मिरर है जो आप घर में यूज करते हो, जिसमें आप खुद को देखते हो, तो उसमें सेम साइज की इमेज बनती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें छोटी इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में छोटी। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा उस केस का ऑप्शन सी, कॉनकेव में बड़ी, प्लेन में सेम साइज की और कॉन्वेक्स में छोटी। नाउ इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो। हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की 10 mm, इमेज की हाइट गिवन है 5 mm, और फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे mm है, यहाँ सेंटीमीटर है। जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपका न्यूमेरिकल अगर आप डायरेक्ट 10 और 5 यूज करके करोगे तो गलत होगा, बिकॉज ऑप्शंस आंसर किसमें है, सेंटीमीटर। ये भी देखो, तो हाइट अगर 10 mm है तो इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करो, बिकॉज फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में है, हमारे आंसर भी सेंटीमीटर में है। तो जब भी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो आपको हाइट को सेंटीमीटर में चेंज करना है। अब देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 mm, ये गिवन है 10 mm, 1 cm इज इक्वल टू 10 mm, ये रिलेशन होता है। तो ये कितना आ गया, 1 cm। जब इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज किया, यस किशन आपका आंसर करेक्ट है, -20 cm, यही इसका आंसर आएगा। सभी ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को अपने आप, 1 cm। नाउ हाइट ऑफ इमेज 5 mm, 5 mm, इसको जब आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे ये हो जाएगा 0.5 cm। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 0.5 cm। इमेज का डिस्टेंस वी की वैल्यू गिवन है, अच्छा इमेज का डिस्टेंस वी की वैल्यू है 30 cm, बट हमें पता है कि इमेज लेफ्ट साइड पे बन रही है, तो आप साथ में क्या साइन यूज करोगे, माइनस साइन यूज करोगे, बिकॉज वी इज इक्वल टू -30 cm। इमेज जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड पे बन रही है, तो माइनस साइन साथ में यूज। नाउ मैग्निफिकेशन जब हम निकालते हैं, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, विच इज इक्वल टू, और एक और फॉर्मूला हमने अभी डिफाइन किया था, एम इज इक्वल टू -V/U, एच डैश अपॉन एच -V/U, इन दोनों से मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -V/U। इस फॉर्मूला को यूज करके देखिए, ये आपको ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, अब आगे इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, एच डैश हम एच डैश की जगह हमने लिया है एच आई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -V/U। एच आई की वैल्यू भी आपको पता है, एच ओ की वैल्यू भी आपको पता है, वी की वैल्यू भी आपको पता है, यू की वैल्यू आपको निकालनी है। यू की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद आप 1/F इज इक्वल टू 1/+V+1/U से फोकल लेंथ निकाल सकते हो, जो क्वेश्चन में हमें निकालनी है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, अब देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, mm को चेंज किया सेंटीमीटर में, mm को चेंज किया हमने सेंटीमीटर में, देन उसके बाद मैग्निफिकेशन मुझे पता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और कॉनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ये भी हमने साथ में कहा था। तो ये जब मैंने यूज की, यस यू की वैल्यू, यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी -60 cm। यस किशन, -16 आएगा यू। अब जब यू की वैल्यू -16 आ जाएगी, देन इजिली आप मिरर फॉर्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/V+1/U इसको यूज कीजिए। U की वैल्यू यहां पे, एच आई की वैल्यू पुट करोगे आप 0.5, एच ओ की 10, -30/U, इसको जब आप सॉल्व करोगे U की वैल्यू -60 cm आएगी। ओके यस, वैसे भी यूनिट्स कट जाएंगी, बट इन केस आपको बता दूं कि जब भी हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमें यूनिट्स पे ध्यान देना पड़ता है,
तो अगर सेम उसमें है जो हमारा फिजिक्स में पैटर्न रहता है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ये अगर एमएम थी तो इन केस आगे चल के कोई गलती ना हो, हम उसको पहले सेंटीमीटर में चेंज, चाहे आंसर सेम भी आ रहा हो बट यूनिट्स हमारी सेम रहनी चाहिए, ऑप्शन भी सेंटीमीटर में है। अब यहां से यू की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए, एफ की वैल्यू आपको निकालनी है। 1/f इज इक्वल टू 1/-30, बी की वैल्यू है -30 प्लस 1/-6 विच इज इक्वल टू -1/30 -1/60। ठीक है, ये सॉल्व करने का पार्ट आप कर सकते हैं, -1/30 -1/60। एलसीएम क्या आ गया यहां से 60 आ गया, तो -2 -1 दोनों के साथ माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएंगे ऐड, -3/60 -3/60 काट दो इसको तो -1/20 और एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो जब आपने ये नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व किया आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और इस तरह के क्वेश्चन हम क्विज में भी करेंगे। अब ये याद रखिए, एक तो साइन कन्वेंशंस जो बहुत जरूरी हैं कि जो डिस्टेंसेस मिरर के लेफ्ट साइड को होंगे वो क्वेश्चन में साइन नहीं लगा के दिया है, हमें खुद माइनस साइन लगाना पड़ रहा है। वहां हमें पता है कि मिरर के लेफ्ट साइड को है ऑब्जेक्ट और इमेज, तो हम उसके साथ माइनस साइन लगा रहे हैं अपने आप। ओके, तो आंसर आएगा हमारा -20 सेंटीमीटर। और इसको मैं आपको फिर से बता दूं, देखो कॉनकेव मिरर में जो लास्ट केस होता है उसमें मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बनती है, तो बड़ी इमेज सिर्फ एक ही बार केस में पॉसिबल है, कॉनकेव मिरर का 6। प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज रहती है, तो बीच में प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स में छोटी बनती है, दैट्स वाई स्मॉलर मिरर, कॉन्वेक्स में स्मॉल साइज की इमेज। ओके, एक क्वेश्चन क्लियर है सभी को, कुछ नहीं करना है, बस मिरर फॉर्मूला यूज करना है, और जब भी मिरर फॉर्मूला यूज करोगे तो साइन कन्वेंशन साथ में लगानी है। ओके, अब नाउ ये हमारे पार्ट रह गए हैं, ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन और लेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंस में होती है रिफ्रैक्शन। आज हमने की रिफ्लेक्शन और मिरर फॉर्मूला, कल अब हम करेंगे लेंस जिसमें रिफ्रैक्शन होती है, तो लेंस फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू वांट टू क्रैक योर डिफेंस एग्जाम देन ज्वाइन अनअकैडमी, ज्वाइन अनअकैडमी टू क्रैक योर डिफेंस एग्जाम। और करना क्या है सिंपली, यस किशन हम ऑप्टिक्स पूरा करेंगे, इंटरफेरेंस पॉलराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट स्कैटरिंग तक हम सारा कवर करेंगे, और उसके बाद फिर आपका क्विज बेस्ड होगा ऑप्टिक्स के ऊपर। तो कल 3 o'clock YouTube पे सेम सेशन जिसमें लेंस फॉर्मूला और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये दो क्वेश्चन कल हम कवर करेंगे। लेंस फॉर्मूला और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अभी अब ऑप्टिक्स ही कंटिन्यू करेंगे, और जिस दिन ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी देन क्विज ऑन ऑप्टिक्स वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, और कल सुबह 9 बजे स्पेशल क्लास है, क्विज ऑन एसिड बेसिस सॉल्ट एंड पीएच स्केल, जिसके लिए आप डायरेक्ट ये लिंक यूज कर सकते हैं unacademy.com@SamitaRana5987। ये लिंक नोट कर लीजिए टू ज्वाइन क्विज ऑन एसिड बेसिस सॉल्ट एंड पीएच स्केल। ओके, पोलराइजेशन से भी आ रहे हैं। ओके, देखते हैं कितने लेवल तक आते हैं, बट 12th में जो पोलराइजेशन है वो बहुत डिटेल्ड है, तो उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बट इन शॉर्ट डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो आपके और फ्रेंड्स भी हैं जो डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिट मिलने चाहिए। एंड फीडबैक, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सेशन के बाद फीडबैक जरूर दीजिए और बताइए आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। एंड इफ यू वॉन्ट, यस शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे, एंड इफ यू वॉन्ट टू क्रैक योर डिफेंस एग्जाम देन लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, देन यू शुड ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। और प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी, तो पहले तो ऐप इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपको कोर्स करना है
उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो भी आपका डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड कोर्स है उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। एंड व्हाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ योर कोर्स प्लीज यूज माय रेफरल कोड समिता, SAMITA, मेरा रेफरल कोड यूज करने पर आपको आपके हर सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ मिलेगा। तो लेट्स क्रैक योर डिफेंस एग्जाम विद अनअकैडमी प्लस, एंड व्हाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन प्लीज यूज माय रेफरल कोड समिता टू गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन। और बेल आइकन हिट कर लीजिए प्लीज, कभी हो सकता है टाइमिंग चेंज हो तो बेल आइकन हिट करने से जो मेरे अपकमिंग सेशंस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। ओके, तो कल के सेशन में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रेक्शन पे बेस्ड फिनोमिनास, लेंस फॉर्मूला, ये सब डिस्कस करेंगे। होप आपके सेशन, आज के सेशन से आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। That's all for today's session. Thank you.